देवकी के गर्भ में आ गए। जब देवताओं को पता चला तो बड़ी सुंदर स्तुति करी, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। और इसको गर्भ स्तुति कहते हैं। 10 श्लोकों में स्तुति करी कि सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नीतम सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्रनेत्रम सत्यात्मकांतम सत्य सत्य कह करके वंदन किया। सत्य ही है चारों तरफ, पर कहीं आपके रिश्तेदार ही आपके शत्रु बने बैठे हैं तो सत्यता को मत छोड़ देना, क्योंकि आपने वचन दिया है रक्षा करने के लिए पृथ्वी की। इसलिए सत्य का पालन करना। बड़ी सुंदर स्तुति करी और आठवें में गर्भ के रूप में गोविंद ही आ रहे हैं। बोलो वृंदावन हरि लाल की, बोलो वृंदवक्षल भगवान की जय, जय श्री राधे। अब गोविंद आए तो स्तुति करे। बालक अद्भुतम, बड़ा अद्भुत बालक है। तब मुझे क्षणम वसुदेव जी ने गोविंद को हाथ बढ़ाया लेने के लिए तो वेणियां खुल गईं, द्वारपाल सो गए, दरवाजा खुल गए, ताले टूट गए और यमुना जी पार करके कन्या को लिया और जैसे जेल के अंदर आए तो पुनः ताले लगने लगे, वेणियां बंधने लगी। जो कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं प्रभु सारे बंधन से मुक्त कर देते हैं, लेकिन जो माया के वशीभूत होने लग जाते हैं, संसार की तरफ बढ़ते हैं, जैसे संसार की तरफ बढ़ते हैं तो वेणियां लगना प्रारंभ हो जाती हैं। इधर महाराज नंद बाबा के दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। आज देखा कि भाभी के दरवाजा तो खुले हैं कमरे के, अंदर देखा तो एक नील कमल सी छवि लेटी हुई है। सो जोर से चिल्ला पड़े, पहले तो देखा कि देखो तो बेटी है कि बेटा, लाली है कि लाला। फिर थोड़े से चद्दर खोलते, फिर वो ढक देते, बोले लाली हो लाला हो या बार लाला हो जाए, फिर कितने हूँ लाली है जाए कहू दिक्कत ना है। और जैसे देखा कि अरे लाला है तो ही जोर से चिल्ला पड़े, अरे हे करो हे करो हे करो हे करो, दौड़े दौड़े ब्रजवासी आए, अरे भाई कहाँ भयो कहाँ भयो, अरे कछु ना भयो तो यो बता बाबा किस को गयो। बोले अरे बाबा बाबा तो गौशाला में तपस्या कर रहे हो। दौड़े दौड़े गए, देखा तपस्या चल रही है, मंत्र जाप चल रहे हो हैं। और जाप कौन से चल रहे हो? अबे तो भयो ना है जाने कब होएगो, अबे तो भयो ना है जाने कब होएगो। सुनंदा ने चिल्लाई, अरे बाबा हे गयो हे गयो हे गयो, अरे बहन कहाँ भयो कहाँ भयो, भले जो बता कहाँ गएगो। बोले ना पहले जो बता कहाँ भयो, ना करो ये बता कहा देखो। तो महाराज नंद बाबा ने चाबी दे दी, बोले ले लो जो तुमको अच्छो लगे तो ही ले ले, पर यू बता कहा भयो, तो ही बताए, अरे बाबा छोरा भयो है छोरा। तो ही महाराज 80 साल के बच्चे नंद बाबा तुरंत 18 साल के 16 साल के बच्चे के छलांग लगा दे। वृंदावन हरि हर की जय जय श्री राम। सब ब्रजवासी जैसे मालूम चले हो नंद बाबा के यहाँ छोरा भय हुए, सब बधाई ले लेकर के आईवे लग गए। हम भी अपने गोविंद को बच गए। सब गोपिका मालूम चलो नंद बाबा आगे लगे दर्शन ताई, नंद बाबा को रोक दिया, सुना की हो करे तो भले स्नान करके आओ यमुना जी में। नंद बाबा ने 108 डुबकी लगाई, हम तो जा सके। बोले नहीं पहले सच सच के जानो पड़े,
नंद बाबा ने बढ़िया इत्र गुलाल लगायो और बालन में डाई कियो, मूछन पे पगड़ी बांधी, एक सखा को बुलायो, नेक कितको आइयो, नेक बता मैं कैसो लग रहे हो बाबा, सांची सांची कह रहा हूँ, आलाला तू खूब सांची सांची बोल। अरे भैया आप तो ऐसे लग रहे हो, ऐसे लग रहे हो जैसे अबे हाल ही जाओ भाई, बोलो राधे राधे। अरे बच्चों कैमरा बन रहा है, बात के कैसेट ले लेना, देखते रहना मोबाइल में, मत दूर रहो, अभी धक्का लग जाएगा तो कैमरा गिर जाएगा। बोलो राधे राधे राधे। हाँ दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी भक्त इस कथा की कैसेट लेना चाहे वो हमारे आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं, तो आपको 7-8 दिन बाद अपना एड्रेस लिखा देना, कोरियर हो जाएगा और आपके घर कैसे आ जाएंगी। बोलो राधे राधे। ब्रज गोपिकाओं ने सुंदर सुंदर बाबा की बधाई के लिए, कन्हैया के नंदलाल की बधाई के लिए सामग्रियां सजाई हैं और सजा करके सीधे बधाई देने जा रहे हैं। हम सभी भक्त मिलकर के कन्हैया को बधाई देंगे। ब्रज में फिर हिजे जयकार नंद घर लाला जायो है, फिर हिजे जयकार नंद घर जो भक्त पूजन करना चाहे वही आगे आए।